सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 25 जीके क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं इंग्लिश में चैप्टर वाइज करवाऊंगा, तो कल आपको प्रेपोजिशन की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? जो प्रेपोजिशन चैप्टर को मैं पहले, देखिए मैं क्वेश्चन से पहले इसमें शुरुआत नहीं करूँगा प्रेपोजिशन में, पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट दे दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे प्रेपोजिशन से। तो मेक श्योर वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, वो है कि स्वतंत्र भारत के स्टैम्प पर सर्वप्रथम किस व्यक्ति की तस्वीर दर्शाई गई। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके नेवी के एग्जाम के लिए खासकर। तो मेक श्योर हर क्वेश्चन को अच्छे से करिए और जितना भी आपका स्कोर आता है 25 में वो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के स्टैम्प पर सर्वप्रथम किस व्यक्ति की तस्वीर दर्शाई गई। ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन महात्मा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के स्टैम्प पर सर्वप्रथम महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो दर्शाई गई। तो पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है रथ यात्रा, यह प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन उड़ीसा में। तो जो रथ यात्रा है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि 92 संविधान संशोधन के साथ कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो 4, 3, 2, 5 आपके ऑप्शन है। सही आंसर है पहला ऑप्शन 4, यानी कि पहले जो उसमें बोला गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4 जोड़ी गई, ठीक है। फिर उसके बाद है, तो आपको पता होगा 22 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें से पहले 18 थी, जो पहले से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 18 थी, और उसके बाद जो 92nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 4 और जोड़ी गई और टोटल हो गई 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर के, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में काम करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, पुइनी जीवाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है सेकंड ऑप्शन, विटामिन बी। तो गाय के दूध में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है विटामिन बी। अगला है बुला चौधरी किस खेल से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप का, ये आपके नॉर्मली करंट अफेयर्स से आता है। तो करंट अफेयर जिसका मैंने पहले ही बोल दिया कि उसका आप चिंता मत करो, मैं वीडियो उसका डाल दूंगा जल्दी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन करंट से आते हैं, करंट में जो भी कोई प्लेयर न्यूज़ में रहा हो तो उससे रिलेटेड आता है ये। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, बुला चौधरी तैराकी से संबंधित है, ठीक है। अगला है डोंग किस देश की मुद्रा है, वेनेजुला, वेटिकन सिटी, युगांडा या फिर वियतनाम। सही आंसर इस क्वेश्चन का है लास्ट ऑप्शन, वियतनाम। तो जो डोंग है वो वियतनाम की मुद्रा यानी कि करेंसी है। अगला है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप या फिर एशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश भी और एक कॉन्टिनेंट भी है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है, मुख्य न्यायाधीश का, विपक्ष के नेता का, प्रधानमंत्री का, फिर उपराष्ट्रपति का। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है लास्ट ऑप्शन, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। अगला है कि प्रथम भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष कौन थे, मानेकशॉ, श्री नागेश, राजेंद्र सिंह जी या फिर करियप्पा। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड ऑप्शन, महाराजा राजेंद्र सिंह, ठीक है। अगला है वित्त मंत्रालय ने कुछ सेवाओं को नकारात्मक सूची में रखा है जिनका तात्पर्य है, तो आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11th का, वो होगा थर्ड ऑप्शन, उन सेवाओं के लिए सेवा कर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है इस्पात में, इस्पात के उत्पादन में 7वां, 10वां, 5वां फिर 6वां। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है थर्ड ऑप्शन, 5वां। तो इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 5वां है। अगला है बेसल 3 मानदंड क्या है, ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, बैंकों हेतु वैश्विक पूंजी मानदंड। ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है।
वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है सेकंड ऑप्शन, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यह राज्य भारत के कॉफी और मिल्क की उत्पादन में 70% का योगदान करता है, तो इस राज्य का नाम क्या है? वो आपको बताना है, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या फिर असम। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन, कर्नाटक। तो कर्नाटक 70% योगदान देता है कॉफी और मिल्क में। अगला क्वेश्चन है, ऐब और फ्लो है क्या? ये एक नए तार की खोज है, द्रव को मापन की एक तंत्र है, एक मिसाइल जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा से छोड़ी गई है, फिर नासा का एक गुरुत्व मोपिंग उपग्रह है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है लास्ट ऑप्शन, नासा का यह एक गुरुत्व मोपिंग उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सैम पित्रोदा को, पी चिदम्बरम को, मोंटेक सिंह अहलूवालिया को या फिर डॉक्टर वाई वी रेड्डी को। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ ऑप्शन, डॉक्टर वाई वी रेड्डी। ये भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो करंट अफेयर्स में आपका अच्छा खासा वेटेज रहता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, 18वें नंबर की किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें किसी भी कार्रवाई की संपादित करने के लिए कितने न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है लास्ट ऑप्शन, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10, जिसको हम कोरम बोलते हैं इंग्लिश में, कि इतने तो सदन में होने चाहिए। अगला है कि किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाकर पत्तियां हिलाने पर जो पत्तियां गिरती हैं, इस घटना की व्याख्या होती है किस गति से, किस गति के नियम से? आपसे पूछा गया, जूल के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से, जूल के प्रथम नियम से, वे न्यूटन के प्रथम नियम से। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक है, अगला है, जब सिपाही गदर या द ग्रेट रिवोल्ट हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा पहला ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय इंडिया के वॉइस रॉय थे। अगला क्वेश्चन है, 21वें नंबर की, वातावरण की वजह की वह परत जो पृथ्वी के सबसे करीब है, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो यह क्वेश्चन नंबर 21, और इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वातावरण की वह परत है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो ये आपको पता होगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है आपका, फिर आपका थर्मोस्फीयर होता है, और उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है, ये आपको लेयर्स पता होने चाहिए और कौन कौन सी रेंज में होता है। जैसे कि जो ट्रोपोस्फीयर होता है वो 0 से 10 किलोमीटर में होता है, और जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है जहाँ की जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, वो 10 से 50 किलोमीटर होता है आपका। ये सारे आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। और जैसे थर्मोस्फीयर में और स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन लेयर भी होती है, और थर्मोस्फीयर से जो आपका रेडियो ट्रांसमिशन होता है, तो ये सारे यूजेस आपको पता होना चाहिए। यूजेस हैं हो गए, इनसे रिलेटेड सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे नॉर्मली आता है आपके एटमोसफियर से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी साख के मूल्यांकन की संस्था है? तो साख के मूल्यांकन की संस्था कौन है आपसे पूछा है, NSE, BSE, ICRA या फिर SEBI। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, और इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, ICRA। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन आपके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है थर्ड ऑप्शन, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन तो निकल ही नहीं सकती, क्योंकि नाइट्रोजन तो प्लांट्स को चाहिए होती है, जब निकालेंगे तो फिर लेंगे क्यों वो, तो नाइट्रोजन तो हटी गया, हाइड्रोजन भी। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला, ठीक है, बहुत ये आपका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज के उस शासक का नाम बताइए जिसकी पुत्री संयुक्ता का पृथ्वीराज चौहान ने उसके स्वयंवर के से अपहरण कर लिया, जयदेव, लक्ष्मण सेन, भोज या फिर जयचंद। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी, इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, जयचंद। और फिर आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है कि अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि कम क्षेत्र पर अधिक बल
काम करता है कम क्षेत्र पर कम बल काम करता है, कम बल पर अधिक क्षेत्र काम करता है, या फिर अधिक बल पर अधिक क्षेत्र काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है। और रही बात जैसे कि बनाता है प्रपोजिशन के वीडियो, वो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।